तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा, अभी पिछले में पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब हम चारों पैराबोला को एक साथ मर्ज करके उन चारों की इक्वेशन लिखेंगे और उनके ग्राफ, उनकी सेंट्रिसिटी, उनके फोकस, उनकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे पॉइंट एक साथ लिखते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। और इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं कई सारे, सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दूसरा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो चार टाइप के पैराबोला है हमारे पास, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, इन चारों के लिए अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। पहला जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तीसरा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और फोर्थ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद दूसरा लिख लेते हैं इसका ग्राफ। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा ना, ये हो गया इक्वेशन, अब दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा ग्राफ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर बना दिया सभी का एक साथ, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का, ये फोकस एस और ये डायरेक्ट्रिक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये फोकस। थर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, कुछ इस टाइप का बनेगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पर हो जाएगी। ये डायरेक्ट्रिक्स है सभी की जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट अभी खैर अलग अलग हम लिखेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। तीसरा इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी तो पता ही है सबको, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इसेंट्रिसिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए
एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। तो ये हो गया एसेंट्रिसिटी के लिए, और इन सभी के लिए एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1। इक्वल टू 1 सभी में। आगे बढ़ते हैं फिर, एसेंट्रिसिटी के बाद अब फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकस का क्या होगा, फोकस चारों के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फोकस चारों के लिए अलग अलग। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा फोकस का, फोकस पहले वाले के लिए फोकस क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फोकस एस ए कॉमा जीरो, इसका ए कॉमा जीरो, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, सॉरी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए कॉमा जीरो। थर्ड में क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ कहीं पर होगा, तो एक्स में तो जीरो है, वाई में है, तो जीरो कॉमा ए, और इसमें फोकस क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस ए। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट फोकस का। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले वाले के लिए एक्स इक्वल टू प्लस है, दूसरे के लिए एक्स इक्वल टू माइनस है ना, एक्स इक्वल टू माइनस, तीसरे में वाई इक्वल टू, अच्छा ये पहले में क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस ए है, पहले वाले में यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस है, दूसरे में एक्स इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस ए, ये देखो ए डिस्टेंस पे नीचे होगा, तो बिलो ओरिजिन है, तो वाई इक्वल टू माइनस है, और यहाँ पर वाई इक्वल टू प्लस। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर बात करें आप, तो फर्स्ट वाले का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया वाई इक्वल टू जीरो, इसमें भी एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि वो वाई एक्सिस इनका एक्सिस है, यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसमें फोकस है वही वाला एक्सिस हमें लेना है। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस के बाद अगर वर्टेक्स की बात करो, वर्टेक्स तो सभी का जीरो जीरो, देखो यहाँ पर ये क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, इन सब का वर्टेक्स जो है वो जीरो जीरो ही होने वाला है, बेसिक्स का, बेसिक्स का मतलब जो स्टैंडर्ड है, ये चार जो बने हैं अलग अलग, वाई स्क्वायर फोर एक्स, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वर्टेक्स जीरो जीरो पे ही लाई करें, ये सिर्फ एन सी आर टी में ही है। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे जिसमें हमें अलग अलग मिलेंगे। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी इसी में, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहले वाले के अभी हमने डिराइव किए हुए हैं, ए कॉमा टू ए और ए कॉमा माइनस टू ए, उसी तरह चारों के अलग अलग हमें डिराइव करके देख लेना चाहिए, अब ये आपकी ड्यूटी है।
यहाँ पर तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ सभी का, लेटेस रखता हूँ, पहले वाले के कितने आए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के ए कॉमा टू ए, एल के कोऑर्डिनेट ए कॉमा टू ए और एल डैश ए कॉमा माइनस टू ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा प्लस माइनस टू ए, ये भी हमने यहाँ पर डिराइव किया था ना ऊपर, ए कॉमा टू ए और ए कॉमा माइनस टू ए। दूसरे वाले के एल और एल डैश, एल और एल डैश कहाँ पर होंगे, ये एल और एल डैश फोकस से पास होगा, एल और ये एल डैश, इसका एल एल डैश यहाँ पर होगा, इसी तरह इसका एल एल डैश यहाँ पर और इसका एल एल डैश यहाँ पर। तो यही एल और एल के कोऑर्डिनेट है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब ही यही हो गया, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो दूसरे वाले के क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा प्लस माइनस टू ए, जैसे उसमें ए कॉमा टू ए और ए कॉमा माइनस टू ए, तो इसमें माइनस ए कॉमा प्लस माइनस टू ए, माइनस ए क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस माइनस ए हुई। तीसरे वाले के क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस टू ए कॉमा ए, और चौथे के प्लस माइनस टू ए कॉमा माइनस ए। फिर बात आती है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, चारों के लिए सेम, और उसकी लेंथ जो है वो हमेशा फोर ए होगी। ये एक खासियत है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की, फोर ए होगा हमेशा, उसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखेंगे आप तो सब में टू ए लेंथ मिल रही है, ऊपर भी टू ए और नीचे भी टू ए, तो फोर ए हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पहले वाले के लिए x इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पहले दोनों के लिए x इक्वल टू जीरो, बाकी दोनों के लिए y इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखिए, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है, वर्टेक्स पे टेंजेंट y एक्सिस है, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट y, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट x एक्सिस है, तो x एक्सिस के लिए y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस के लिए x इक्वल टू जीरो। फिर लास्ट आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सभी के जरूर याद रखते हैं, चारों के लिए अलग अलग होंगे, पी से डिनोट करेंगे ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। दूसरे वाले का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, टू ए टी कॉमा ए टी स्क्वायर, और फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, टू ए टी कॉमा माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये चारों के लिए अलग अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, और ये कौन से कोऑर्डिनेट है, ये ऐसे कोऑर्डिनेट है जो सभी को इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ तक जो है बेसिक्स का काम हो जाएगा भाई, ये जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो इसको ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी सेटिस्फाई करेगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा जो है माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, एक्स की जगह माइनस ए टी स्क्वायर और वाई की जगह टू ए टी। तो देखने में चारों वही लग रहे हैं, बस जब वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है तो ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी है, और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है तो टू ए टी कॉमा ए टी स्क्वायर है। अब इसमें आप देखें और मुझे बताएं कहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर हम आगे की बात करेंगे।
तो पहली बात तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, तभी हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा है, अभी ये जो एनसीईआरटी में है वो तो बहुत इजी सा पार्ट है। क्वेश्चन गिवन होगा और सीधे सीधे कंपेयर कर लेना और सबकी वैल्यू वो पूछ लेंगे। कोई भी इक्वेशन दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या 6x या 8x, और कह देंगे सबकी वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन मैं कर भी देता हूँ, वैसे बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, और भी जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब बताने हैं हमको। तो हम कोई भी इक्वेशन दिखेगी उसको उसी के फॉर्म में कंपेयर करेंगे। जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x के फॉर्म में है, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया 12। तो सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही वैल्यू निकालनी है। हमने ऊपर देखा कि सब कुछ a पे डिपेंड कर रहा है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब a पे डिपेंड कर रहे हैं। ये पहला टाइप है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सब कुछ a पे डिपेंड कर रहा है। a पता चल गया सारे आंसर आ जाएंगे हमारे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, a कॉमा 0, तो a कॉमा 0 का मतलब 3,0, ये आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लिखी हुई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल टू माइनस a, वर्टेक्स 0,0, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, तो 4a की वैल्यू 12। एक्सट्रीमिटीज क्या है, a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2, a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a, ये भी आ जाएगा 3,6 और एल डैस 3,-6, तो 3,±6, ये हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स पे एक्स इक्वल टू 0, तो ये आ गया आंसर एक्स इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80² 280, ए की वैल्यू 3 आई है, तो 3t² 6t, ये आंसर हो गया सारे के सारे। तो बहुत इजी सा पार्ट है, जो बेसिक्स है हमारा, जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो बहुत इजी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, टी जो है इसमें, टी जो है वो एक पैरामीटर है, कोई एक स्केलर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी या क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे उसने कह दिया कि ये भाई 4,3 से पास करता है, तो फिर पास करता है तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू सेटिस्फाई करा के, मतलब टी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। टी जो है कोई पैरामीटर है या कोई स्केलर है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा और या तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और कोई डाउट किसी का?
तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, जो जेई का क्वेश्चन है। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था पीछे, देखते हैं कितने लोगों को याद है और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट -1, -2 है, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो है x -2i+3=0। एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है। इसेंट्रिसिटी तो वो बताएंगे नहीं क्योंकि पैराबोला बोला है, तो इसेंट्रिसिटी ऑटोमेटिकली 1 हो गया, इसलिए इसको तो वो बताएंगे नहीं। एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन, एक ऐसे कॉनिक्स की इक्वेशन बतानी है जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। फॉर्मूला मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट h, k एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ax+by+c=0, या ax नल एड करके इसको, क्योंकि a का तो इसमें यूज होता है बार बार, तो हम इसको lx+my+n कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर है। lx+my+n=0, ps=pm, ps का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, x - h² / y - k, और pm का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ये जो फोकस है ये एच के हो जाएगा, और ये जो लाइन है वो lx+my+n हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है और फिर स्क्वायरिंग करके ओपन कर देना है। अंडर रूट ऑफ x - h, एच और के की वैल्यू -1 और -2 है, की वैल्यू जो फोकस एस है वो -1 और -2 है, और लाइन है वो x - 2i+3=0। तो x - h, ये h और ये k, x+1² y+2² पूरी लाइन एज इट इज नोट कर देनी है, x - 2i+3 on 1² और -2². अब यहीं पर इसको छोड़ना नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पूरी इक्वेशन बना के बतानी है कि क्या रही है। x+1² y+2² x-2y+3² / 2² 4+1 5, अंडर रूट कट हो जाएगा जब स्क्वायरिंग कर दिया। 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई x² + 1+2x y² + 4+4y, और यहाँ पर a+b+c² a² + b² + c² + 2ab 4xy + 2bc 3 2 6 2 12y और +2ca 6x। अब बस 5 का मल्टीप्लाई करके सबको वन साइड कर लेते हैं, तो 5x² - x² 5y² - 4y² 4 और 1 मिला के ये हो गया 5 5 5 25 -9 +5 2 10x, ये हो गया 10x और
माइनस सिक्स एक्स, 5 4 20y प्लस 12y और प्लस 4xy माइनस 4xy इधर आके क्या बन जाएगा, 4xy इक्वल टू जीरो। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 5 टू जा कितना हो गया 10x माइनस 6x, 5 फोर जा 20y माइनस 12y और माइनस 12y इधर आया तो प्लस 12y और 4 और 1 5, 5 जा 25 माइनस 9 और माइनस 4xy जो है वो उधर जाके प्लस 4xy, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 10x माइनस 6x 4x प्लस 32y और 25 माइनस 9 16, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, तो ये वही कंपेयर करके इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है? ये किसकी फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो पैराबोला के लिए कंडीशन अभी हमने पिछली क्लास में सीखा था कि क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन ऑफ पैराबोला होती है। यहाँ पर चेक करके देख लो, ए की वैल्यू कितनी आई है 2, बी की वैल्यू कितनी आई है 1 और 2h की वैल्यू 4 है तो h की वैल्यू 2 है, तो जब h स्क्वायर आप निकालेंगे तो 4 आएगा। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ओके, और जब ए बी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 4, तो ये देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ऐसे ही चेक करेंगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है कि एलिप्स की है कि हाइपरबोला की है, तो ये चेक भी हो गया कि ये जो है पैराबोला है। वैसे तो हमें पता था ऊपर से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब मिलेगा, सिर्फ जब यही इक्वेशन मिलेगी और चेक करने के लिए पूछा जाएगा कि चेक करो कि ये क्या है, तो फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे। पहले ए बी एच ए बी सी एफ जी एच सब निकाल देंगे। वैसे तो इसमें एच ए और बी से ही मतलब है, एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी है तो पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता तो इलिप्स हो जाता और ग्रेटर देन होता तो हाइपरबोला। और ये क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं, जो ये वाला है जिसमें फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए? चलिए तो मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री रिप्रेजेंट पैराबोला। ये अगर पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? फाइंड इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स थोड़ा दिमाग लगाएंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म में हम बात करेंगे इसके बारे में। फोकस वन कॉमन सही है, फोकस वन कॉमा टू उसी से कंपेयर कर लेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एस इक्वल टू ई पी एम वाला जो फॉर्म था। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लैम्डा में फिर गड़बड़ होगी, इसी को तो थोड़ा ध्यान देना है। फोकस तो डायरेक्ट मिल जाएगा लेकिन लैम्डा नहीं, नहीं ये भी गड़बड़ है। मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा इसका, आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होगा। लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/2, फोकस जो है वो 1,2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्सिस की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस वन बाय टू और वन बाय टू। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे इसके बारे में। ओके।